तो दोस्तों Realme 9 इस टाइम का सबसे मिस्टीरियस डिवाइस बना हुआ है, क्योंकि कुछ टाइम पहले ये न्यूज निकल के आ रही थी कि इस Realme 9 सीरीज के जो 4G और 5G वेरिएंट्स होंगे उनमें में Helio का G90 और Dimensity 920 5G प्रोसेसर देखने को मिलेंगे। पर दोस्तों अब ये न्यूज निकल के आ रही है कि हमें इनमें Qualcomm का Snapdragon 778G प्रोसेसर देखने को मिलेगा, तो पता नहीं क्या होने वाला है। पर दोस्तों इस Realme 9 सीरीज में अगर हमें ये Snapdragon 778G प्रोसेसर मिलता है तो फाइनली इस सीरीज में Realme हमें कोई अच्छा प्रोसेसर देने वाला है, तो मैं तो यही होप करता हूँ कि यही हो। और आप क्या सोचते हो इसके बारे में मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अब दोस्तों इस सीरीज की जो और डिटेल्स निकल के आई है उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले डिस्प्ले से ही शुरुआत कर लेते हैं। हमें अब की बार इस Realme 9 सीरीज के 4G वेरिएंट में एक 120 हर्ट्ज वाली एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी, और जो इसका 5G वेरिएंट होगा उसमें हमें एक IPS पैनल देखने को मिलेगा, और इसकी रिफ्रेश रेट भी 90 हर्ट्ज के करीब होने वाली है। और दोस्तों कुछ तो ऐसी न्यूज निकल के आ रही है कि हमें इसमें एक 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला पैनल देखने को मिलेगा, पर ऐसा होने के चांस बहुत कम है। और फिर हमें इसमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और इसके बैक में ग्लास बैक भी देखने को मिलेगा। और अब इसके कैमरा की बात करें तो इसके बारे में अभी इतनी कोई पुख्ता डिटेल तो नहीं आई है, पर जो उड़ती सूचनाएं आ रही है उनके मुताबिक हमें इस Realme 9 सीरीज के 4G वेरिएंट में तो 64 मेगापिक्सल का सेंसर और 5G वेरिएंट में 48 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिल सकता है। और अब इनकी बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो हमें इनमें अब की बार एक 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलने वाली है, और इसके साथ ही हमें 33 वाट की फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आप क्या सोचते हो इसके बारे में मुझे नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही एक और नए वीडियो के साथ।